बात करने वाला हूँ राष्ट्रीय पार्टियों के जो प्रमुख चुनाव चिन्ह है उनकी। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हमारा टॉपिक है शिवसेना का जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है दोस्तों, वो क्या है? वो है दोस्तों तीर कमान। क्या है? तीर कमान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों आपका जनता दल। जनता दल का क्या है दोस्तों? तीर है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका जनता दल सेकुलर का महिला के सिर पर धान। ठीक है दोस्तों, क्या है? महिला के सिर पर धान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बीजू जनता दल। बीजू जनता दल यानी BJD। BJD का जो चुनाव चिन्ह दोस्तों क्या है? शंख है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जा सकता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो जो राष्ट्रीय जनता दल RJD। RJD का क्या है? लालटेन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति TRS। TRS का क्या है दोस्तों? कार है चुनाव चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है बाली और हंसिया। देखे होगे आप लोग जब ये लोग पार्टी के लोग प्रचार प्रसार करते हैं तो उसमें बाली और हंसिया दिखता होगा आपको। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है दोस्तों, मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है हंसिया और हथौड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तेलुगु TDP। TDP का क्या है चुनाव चिन्ह? साइकिल है। समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है दोस्तों साइकिल है। काफ़ी बार पूछा गया है TDP और SP में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तेलुगु दसम पार्टी TDP का चुनाव चिन्ह साइकिल है। और जो समाजवादी पार्टी है इसका चुनाव चिन्ह भी क्या है दोस्तों? साइकिल है। नेक्स्ट है देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि NCP। NCP का जो चुनाव चिन्ह दोस्तों घड़ी है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में से। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़कम, ये चुनाव चिन्ह है दो पत्तियां। नेक्स्ट है दोस्तों देखते हैं, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का जो चुनाव चिन्ह है वो दोस्तों है उगता सूरज। देखे होंगे आप लोग उगता सूरज। ठीक है दोस्तों, ये उगता सूरज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस TMC। TMC का जो चुनाव चिन्ह दोस्तों दो फूल। दो फूल है इसका चुनाव चिन्ह। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना। महाराष्ट्र जो नव निर्माण सेना है इसका चुनाव चिन्ह है रेलवे इंजन। शिरोमणि अकाली दल का जो चुनाव चिन्ह है दोस्तों तराजू है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है झाड़ू है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, आपकी सरकार है, तो वहाँ पर दोस्तों जो उनका चुनाव चिन्ह है वो आपने देखा होगा ऐड में, क्या है? झाड़ू। झाड़ू है दोस्तों। ठीक है, झाड़ू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है दोस्तों सभी को पता है, क्या है? कमल का फूल। क्या है दोस्तों? कमल का फूल। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है क्या है? पंजा, हाथ का पंजा। देखे हो दोस्तों, हाथ का पंजा, उंगलियों वाला। ठीक है, तो हाथ का पंजा जो है वो इनका किसका चुनाव चिन्ह है? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी यानी कि आपने सुना ही होगा मायावती। मायावती जो मुख्यमंत्री रही हैं वही हैं इनकी इस समय हेड इस टाइम पे। ठीक है, तो बहुजन समाज पार्टी BSP का जो चुनाव चिन्ह है क्या है? हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आगे। अब हम लोग करते हैं दोस्तों इनसे संबंधित जो है हमारा बहुविकल्पी टेस्ट टाइप का है। 10 क्वेश्चन का ये टेस्ट होगा। 10 में से आप लोग देखते हैं कि कितने आप अंक लेके आ पाते हैं। 10 में से आप लोग टेस्ट करिए और बताइए कि आपके कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए कि आपके कितने अंक आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अभी जो हमारे इलेक्शन होने ही वाले हैं तो उसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तेलुगु दसम पार्टी। तेलुगु दसम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है भैया? साइकिल। क्या है? साइकिल, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का जो चुनाव चिन्ह है दोस्तों क्या है? कार है। क्या है? कार है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है भैया? तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह भैया हंसिया और हथौड़ा। कहा है भैया? हंसिया और हथौड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह कहाँ है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह है भैया हमारा बाली और हंसिया। कहाँ है? बाली और हंसिया, तो ऑप्शन डी हुई जी सही। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बीजू जनता दल, बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी, बीजेडी का जो चुनाव चिन्ह है दोस्तों संख है, इसका ऑप्शन राइट डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, आरजेडी का जो चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों, भैया अभी मैंने आपको ऊपर बताया था क्या है, तो भैया ये है लालटेन, लालटेन उजाला, लालू सिंह यादव, सुने होंगे आप लोग, ठीक है वही है, उन्हीं की पार्टी भैया आरजेडी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना का चुनाव चिन्ह कहाँ है, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना का जो चुनाव चिन्ह है भैया रेलवे इंजन है, कहाँ है रेलवे इंजन, ठीक है भैया। आगे देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिवसेना का चुनाव चिन्ह क्या है, तो शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है दोस्तों वह है आपका तीर एंड कमान, ठीक है। तो शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह क्या है, तीर कमान, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़कम, इसका जो चुनाव चिन्ह है दोस्तों वो क्या है, दो पत्तियां, अभी मैंने ऊपर बताया था दोस्तों। अगर आपके पूरे भी पूरे क्वेश्चन सही आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपके सही नहीं आ रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को अच्छे से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो हमारे आने वाले अपडेट्स हैं आपको मिलते रहें दोस्तों। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, कड़कम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है दोस्तों, हमारा द्रविड़ मुनेत्र कड़कम पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है हमारा उगता सूरज, और ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो हमारे आने वाले अपडेट्स हैं आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। तो ठीक है भैया, हमारा चैनल A1 क्लासेज सब्सक्राइब लीजिए, तो हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहेंगी, ठीक है भैया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।